गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी हैव टॉक अबाउट लॉ ऑफ टैक्सेशन। इन लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस विच हेड ऑफ द इनकम टैक्स, इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी। सेक्शन हैज डिनोटेड इन 22 to 27। एंड टुडे वी हैव द डिस्कस PGBP, दैट मीन प्रॉफिट्स एंड गेन्स बिजनेस और प्रोफेशन। That means when you think about any commercial purpose, you have to do any work for which basis, for the profit basis or any gain basis, that will be included in that some revenue you have generated in basis of the business, in basis of the any profession, that should be taxable in income tax act. That means when you think about the what is the process of the income tax act in related to the business or purposes, that the section has been tell the is that mean profit and gain for business ठीक, ओके, दैट इन इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 28 to 44 हैव इंक्लूडेड द ऑल ईच स्टेप्स ऑल एंड ईच सेक्शन एंड सब सेक्शन हैव बीन इंक्लूडेड द प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम द बिजनेस एंड पर्पसेस। When be the study for this section, and then we denote that we indicate we have so section 28, that means define the which is the your business, which is the your profession, ठीक है। तो धारा 28 में क्या बताती है, कौन कौन से व्यापार, कौन कौन से व्यवसाय आपके, ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट में जोड़े जाएंगे, इनकम टैक्स एक्ट में टैक्सेबल किए जाएंगे। ये चीजें आपको सेक्शन 28 में बताया गया है, ठीक है। ठीक, तो हमने क्या देखा, ठीक, बिजनेस फॉर प्रोफेशन, इनकम फॉर बिजनेस ऑफ प्रोफेशन। हम सेक्शन 8 में क्या क्या चीजें देखेंगे, कौन कौन से चीजें, कौन कौन से ऐसे चीजें हैं या कौन कौन से ऐसे एक्टिविटीज हैं जो आपके बिजनेस में शामिल की जाएंगी। ठीक, इसके लिए हम कुछ देखते हैं। इसका मतलब क्या होगा, व्यवसाय व पैसे, क्या होगा व्यवसाय या पैसे के लाभ तथा प्राप्ति है, किसी भी व्यवसाय में आप जब कोई ऐसा बिजनेस करते हैं जिसमें आपको किसी प्रकार का कोई लाभ हो सकता है, कोई फायदा हो सकता है, जिसके लिए आप उसमें टैक्सेबल में जोड़ा जाएगा, ठीक है। किसी भी, ठीक है, कोई टैक्स पेयर है अपनी प्रीवियस ईयर में, कोई बिजनेस और कोई प्रोफेशंस के कोई प्रॉफिट जनरेट करता है, ठीक है, या ऐसा रेवेन्यू जनरेट करता है
जो भारत, ठीक है, जो इंडिया में या इंडिया से बाहर वो रिसीव किया हो, ठीक, यानी कि मतलब कोई पैकेज है इंडिया में या इंडिया से बाहर, आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ इंडिया कोई प्रॉफिट जनरेट करता हो तो वो सब पूरी तरह से टैक्सेबल माना जाएगा, ठीक। हमने क्या देखा, ठीक है, यानी कोई भी बिजनेस चला रहा होगा उससे कोई भी बिजनेस या कोई प्रॉफिट होता है तो उसके इसमें चीजें में जोड़ी जाएगी। ठीक, ये चीज समझ में आई, कोई भी प्रॉफिट होगा वो उसमें जोड़ा जाएगा, कोई भी रिसीव होगी भी व्यवसाय में वो सब इसमें जोड़ी जाएगी। एनी रिसीव फ्रॉम बिजनेस मनी रिसीव्ड रिसीव्ड और एनी फ्रॉम एनी रिसीव फॉर द एनी रिसीव और एनी कंपनसेशन, ठीक है, और एनी पेमेंट और एनी पेमेंट। ये सेक्शन 28 सब क्लास 2, सेक्शन 28 सब क्लास 2 कहने का मतलब होता है इसमें कौन कौन सी चीजें इसमें शामिल होंगी, इसमें शामिल होंगी कोई भी प्राप्त या प्राप्त क्षतिपूर्त या कोई अन्य भुगतान, कोई भी प्राप्त, कोई भी प्राप्त या क्षतिपूर्त या क्षतिपूर्त क्षतिपूर्त, ठीक, या कोई एनी पेमेंट अन्य भुगतान, अन्य भुगतान, ये सब किसमें जोड़े जाएंगे, ये सब टैक्सेबल इनकम फ्रॉम द बिजनेस एंटरप्राइज में जोड़े जाएंगे। ठीक, इसमें एक चीज देखते हैं, इसमें तीन चीजें हैं, ठीक है, इसमें तीन चीजें हैं, एक एक चीज को हम समझते हैं, ठीक, इसमें तीन चीजें हैं, एक एक चीजों को समझते हैं। सबसे पहला क्या है, कोई भी पर्सन, एनी पर्सन, ठीक है, कोई सर्विस या क्या कर दी गई हो, समाप्त कर दी गई हो, या उनके सर्विस में कोई प्रकार का चेंजमेंट लाया गया हो, ठीक है, जिससे उन्हें कोई क्या प्राप्त होता हो, ठीक, जिससे उन्हें कोई अमाउंट प्राप्त होता हो, किसी भी व्यक्ति के क्या होगा, किसी भी व्यक्ति के सर्विस में कोई चेंज, सर्विस को समाप्त किया गया हो, क्लोज द सर्विस है, स्टॉप द सर्विस का, या क्लोज द सर्विस, क्लोज द सर्विस या चेंज द सर्विस, चेंज द सर्विस, कोई सर्विस के लिए समाप्त की गई है, किसी सर्विस में किसी सेवा में कोई परिवर्तन किया गया है, ठीक है, या कोई प्रकार से उसने भुगतान रिसीव किया है, कोई अमाउंट रिसीव किया है, अमाउंट रिसीव किया है। अब इसकी सबसे बड़ी चीज क्या है, वह कंपनी कहाँ की होनी चाहिए, वह कंपनी भारत की होनी चाहिए, ठीक है, कोई भी चीज इसमें हो, कोई भी किसी की सेवा समाप्त की गई हो या कोई तरह का क्या किया गया हो, चेंज ऑफ द सर्विस, कोई किसी प्रकार का सेवा में कोई परिवर्तन किया गया हो, ठीक है, कोई शर्तों में परिवर्तन किया गया हो, वो कंपनी कहाँ की होनी चाहिए, किसी कंपनी का कंप्लीट या लगभग ये पूरा सर्विस कंप्लीट मैनेजमेंट आम इंडिया में होता है, इंडिया में कंप्लीट मैनेजमेंट होता हो, मैनेजमेंट यानी प्रबंधक करता कहाँ को, भारत का हो या पूरा भारत का ही हो, संपूर्ण बने जब कोई भारत का व्यक्ति किसी के व्यक्ति के में कोई सेवा कर रहा, सेवा में कोई बदलाव कर रहा है, किसी नौकरी को खत्म कर रहा हो या कोई सेवा में परिवर्तन कर रहा हो, यदि वो भारत का होगा तब टैक्स बन माना जाएगा, और उसे भी क्या होगा, ठीक है, किसी की व्यक्ति की सेवा को समाप्त कर रहा हो, सेवा को परिवर्तन कर रहा हो, ये तीन चीजें सेम हो जाएगी, और ये कंपनी कहाँ की होगी, यदि विदेश की होगी तब भी वह उसमें भारत की नहीं होगी, भारत के अन्य की जगह की होगी तब भी उसे शामिल किया जाएगा, ठीक है, ठीक, इंडिया कंपनी हो या अदर इंडिया, अदर इंडिया,
वो कंपनी कहाँ की हो? बाहर की हो, ठीक? हाँ हाँ इंडियन कंपनी हो, इंडियन कंपनी, ठीक? इंडियन गवर्नमेंट कंपनी हो या कोई अदर कंपनी हो, या फिर कंपनी कहाँ की हो? आउटसाइड ऑफ इंडिया, अदर कंपनी, भारत में ही मतलब रहकर तो अदर कंपनी, आप तो अगला आउटसाइड ऑफ इंडिया, आउटसाइड इन इंडिया, तब इस प्रकार कोई बिजनेस में अर्न करता है किस तरह से, तो पूरी तरह से टैक्सेबल माना जाता है। और इसका लाभ क्या है? इसका लाभ क्या है? मान लीजिए किसी ने एक बिजनेस किया, ठीक, मान लीजिए ये बिजनेस है, किसका बिजनेस है? मिस्टर ए का। अब ए का पूरा बिजनेस किसने ले लिया? गवर्नमेंट ने ले लिया, गवर्नमेंट ने ले लिया, गवर्नमेंट ने जो टैक्स अमाउंट पे करेगी, गवर्नमेंट जो नहीं अमाउंट पे करेगी, मान लीजिए 5 करोड़, ये क्या माना जाएगा? क्या माना जाएगा? बिजनेस फॉर परपजेस इनकम, ये पूरा इसमें इंक्लूड किया जाएगा, इसमें इंक्लूड किया जाएगा, ठीक। सबसेक्शन हमने 2 देखा, अगला क्या है? बिजनेस और प्रोफेशन में कोई स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के बदले प्राप्त हो रहा हो, ठीक है, कोई बिजनेस में देखेंगे, ए रिसीव रिलेटेड टू एनी स्पेसिफिक फील्ड कॉन्ट्रैक्ट, किसी स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई रेवेन्यू आ रही है, ठीक है, व्यवसाय किसी व्यवसाय या पेशे में संघों की विशिष्ट सेवाओं को संपादित करने के बदले जो प्राप्त होता है वो इसी में आएगा, ठीक है। एनी बिजनेस ये सब किससे हो? एनी बिजनेस और प्रोफेशन से हो, बिजनेस और प्रोफेशन, प्रोफेशन से हो, ठीक, कोई बिजनेस और प्रोफेशन से हो, जो कोई यूनियन हो, इधर कोई एक यूनियन हो, संघों का होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो सब इसी में जोड़ा और माना जाएगा, ठीक है। जैसे हम समझते हैं कोई यूनियन है उसका कोई ट्रेड चला रहा है, ठीक है, कोई प्रोफेशन चला रहा है, ठीक, कोई यूनियन है इसी प्रकार का है जिसने वो अपना कॉमर्शियल पर्पज से चला रहा है, ठीक है। और क्या जरूरी होना चाहिए, क्या बेसिक कंडीशन होनी चाहिए? किसी यूनियन को कोई रेवेन्यू जनरेट हो रही है, उसके लिए क्या क्या एक बेसिक कंडीशन होनी चाहिए? सबसे पहले वह बिजनेस और प्रोसेस के लिए कोई एक ऐसी एक्टिविटी कर रहा हो, यह भी जरूरी है कि कोई यूनियन हो उसके मेंबर हो, विशिष्ट कॉन्ट्रैक्ट या विशिष्ट सर्विस दी जा रही हो, इनके मेंबर्स को कोई स्पेशल और विशिष्ट सर्विस दी जा रही हो। और क्या है, जो यूनियन के मेंबर हैं जो विशिष्ट सर्विस दे रहे हैं उनके बदले उनको क्या है, रेम्यूनरेशन मिल रहा है, यानी कि जो एक स्पेशल पर्पस के लिए काम कर रहे हों जिसके मेंबर हों यूनियन के और वो एक सर्विस में लगे हों उससे कुछ उनको इनकम जनरेट हो रही हो, जो ये प्रकार से यूनियन होगा पूरी तरह से इनकम होगा, ये इसके यूनियन का जो इनकम होगा वो ये इसी में पूरा इंक्लूड किया जाएगा, ठीक। सेक्शन 20 हमने समझ लिया, 48 तीनों क्लॉज, ठीक। अब हम आगे देखते हैं आगे क्या क्या चीजें होती हैं। अब हम आगे ये देखते हैं इसमें और कौन कौन सी चीजें शामिल की जा सकती हैं, ठीक है। किसी व्यापार का कोई गेन होता है, व्यापार में किसी प्रकार का कोई गेन होता है तो इसी में शामिल किया जाएगा, एनी टाइप ऑफ द गेन इन द रिलेटेड टू द बिजनेस और प्रोफेशन, ठीक है। कोई आप लाइसेंस सेल करते हैं उसमें जो प्राप्त होता है वो भी माना जाएगा, ठीक है। कोई लाइसेंस आप सेल करते हैं उसके लिए आपको जो रेवेन्यू जनरेट होगी वो भी इसी में माना जाएगा, ठीक। कोई एक्सपोर्ट के बदले आपको कोई कैश मिलता है, ठीक है, आपके एक्सपोर्ट के बदले कोई रेवेन्यू मिलता है, कोई एक्सपोर्ट के बदले आपको जो मिलता है वो भी पूरी तरह से इसी में शामिल माना जाएगा, कोई प्रॉफिट माना जाएगा, ठीक है। आपने कोई क्या कहते हैं लाइसेंस सेल किया है बिजनेस रिलेटेड इसमें भी शामिल माना जाएगा, ठीक है। कोई आपने एक्सपोर्ट किया है उससे बदले आपको कुछ मिला है वो भी इसी में शामिल माना जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या है, किसी फर्म के वो जो पार्टनरशिप फर्म है मान लीजिए, ठीक है, कोई पार्टनरशिप फर्म में कोई लोन, ठीक है, कोई इंटरेस्ट, कोई सैलरी, कोई कमीशन, ठीक है, जो प्राप्त होगा, मान लीजिए कोई फर्म को
किसी फर्म को कोई क्या मिलता है, कमीशन मिलता है, ठीक, बोनस मिलता है, ठीक है, किसी प्रकार का रेगुलेशन मिलता है, ठीक है, ये प्रकार का कंसिडरेशन मिलता है, ये सब क्या होंगे उस पर्सनशिप फर्म के अंदर टैक्सेबल माने जाएंगे, ठीक, बात समझ रहे। और इसमें क्या शामिल किया जाएगा, कोई स्पेकुलेटेड लीज दिया गया है। स्पेकुलेटेड लीज का मतलब क्या होता है, सट्टे के व्यापार जिसमें आप सट्टा लगाते हैं, ठीक है, स्पेकुलेटेड लीज में जिसमें आप कोई सट्टा लगाते हैं, इसके अंदर जो आपको इनकम होगी वो इसी में शामिल किया जाएगा, ठीक है, किसी सिक्योरिटी से बिजनेस से संबंधित कोई सिक्योरिटी आती है तो इसी में शामिल किया जाएगा, ठीक है। अब क्या क्या इसमें शामिल किया जाएगा, अभी अब तक हम लोग क्या क्या देखा, 28 सब क्लॉज 1 में हमने देखा कोई भी बिजनेस इन्फॉर्मेशन उसमें शामिल किया जाएगा, फिर इंडिया में कोई कंपनी हो, बाहर में कोई कंपनी हो, किसी प्रकार का रिसीव कर रहा बिजनेस से संबंधित सर्विस समाप्त करके वो भी शामिल किया जाएगा, ठीक है। फिर हमने देखा कोई यूनियन बनाकर कोई ऐसा काम कर रहा है वो भी शामिल किया जाएगा, कोई फिर क्या देखा था हमने, देखा कोई व्यापार से कोई भी लाभ प्राप्त कर रहा हो, अनुलाभ प्राप्त कर रहा हो वो भी देखा उसमें शामिल किया जाएगा, कोई क्या सेल करता है, कोई क्या सेल करता है, ओ अरे कोई अपनी क्या करता है लाइसेंस सेल करता है उसमें वो करेगा, ठीक, कोई पार्टनरशिप फर्म है कोई बोनस से कुछ चीजें प्राप्त करती है पार्टनरशिप फर्म में, ठीक है, वो भी क्या होगा, वो भी इनकम फर्म का इसमें पीजीपी में शामिल किया जाएगा। और क्या होगा, यदि आप उसमें कोई ऐसा क्या करते हैं एक्सपोर्ट में आपको कुछ मदद मिलता है उसके में वो पूरी चीजें शामिल की जाएंगी। और स्पेकुलेटर बिजनेस सट्टे का व्यापार है, उससे जो इनकम होगी, बिजनेस आपने किया है, व्यापार किया है, जैसे चिट फंड होता है, जैसे लॉटरी का बिजनेस होता है, ठीक है, इसमें आपने सिर्फ इसकी का व्यवसाय किया है, जो प्राप्त होगा उसी जगह देखा जाएगा, जो आपने व्यवसाय किया है वो बिजनेस प्राप्त प्रोफेशन में देखा जाएगा, ठीक है, इनकम टैक्स पर इसमें टैक्सेबल किया जाएगा। अब एक उदाहरण इसमें आता है, आप लीजिए मान लीजिए कोई लोन दिया है 5 लाख का लोन दिया है 10 साल हो गया, आप भूल गए उसे लेना, लेकिन वो 10 साल में आपको लौटा देता है, यानी डूबे हुए ऋण में जो आपकी वसूली होती है वो भी बिजनेस ऑफ प्रोफेशन में टैक्सेबल की जाएगी, ठीक, ये किसमें है सेक्शन 41 सब क्लॉज 4 में पूरी तरह से टैक्सेबल की जाएगी, ठीक। हमने क्या देखा बिजनेस ऑफ प्रोफेशन में कौन कौन सी चीजें से शामिल होती है, अब हम देखेंगे बिजनेस ऑफ प्रोफेशन में कौन कौन सी चीज कौन कौन से आपको डिडक्शन मिलते हैं, ठीक है, डिडक्शन डिडक्शन रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ प्रोफेशन, ठीक, डिडक्शन रिलेटेड टू पीजीबीपी, ठीक, इसमें आपको सेक्शन 30 से लेकर 33 तक चीजें बताई गई, 30 से लेकर 33 तक चीजें इसमें बताई गई है, तो हम एक एक चीज को धीरे धीरे समझते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है कि किसी भी बिल्डिंग में, ठीक है, आपने किसी बिल्डिंग का कोई मान लीजिए आपने बिल्डिंग आपने क्या किया है, इंश्योरेंस किया है, आपने इसके लिए रिपेयर किया है, आपने इसके लिए रेंट भी दिया है, उसको सुरक्षित करने के लिए सिक्योरिटी भी दिया है, इसी तरह के जो खर्चे होंगे वो आपको टैक्स लेवल में क्या किए जाएंगे, डिडक्शन प्राप्त कराया जाएगा। सेक्शन 30 में क्या है, सेक्शन क्या है, सेक्शन 30 में किसी बिल्डिंग में आपने कोई अपने बिल्डिंग को चलाने के लिए कोई इंश्योरेंस किया है, आपको उसमें कोई रिपेयर करवाना है, आपने सिक्योरिटी पे कोई खर्च किया है, ठीक है, आपने रेंट के संबंध में कोई खर्च किया है, तो इसके संबंध में आपने क्या करेगा, यह पूरी तरह से डिडक्टेबल या पूरी तरह से छूट की जाएगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, कोई मशीनरी है, कोई प्लांट है, कोई फर्नीचर की उसके रिपेयर में इंश्योरेंस से संबंधित कोई एक्सपेंस है, ये बिल्डिंग में हो गया, ठीक। अब मान लीजिए आपकी जो अपना प्रोफेशन है वो क्या है, वो आपका प्लांट मशीनरी क्या है, प्लांट एंड प्लांट एंड मशीनरी क्या है, इस पे क्या रिपेयर, इस पे सिक्योरिटी, इस पे इंश्योरेंस, जो आपने पैसा खर्चा किया होगा वो आपको जो आपको टोटल इनकम आएगी उसमें से घटा दिया जाएगा। ये सेक्शन कितना है, सेक्शन 31 में क्या है, हमने भी दो सेक्शन देखे, कौन कौन सा, 30 31 देखा है,
ठीक है, जो फर्नीचर लेंगे, फर्नीचर की मरम्मत कराएंगे, ये सब चीजें जिसमें जो शामिल करेंगी वो चीजें पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड होंगी। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं 32 में क्या है, डिप्रिसिएशन। 32 में क्या है, डिप्रिसिएशन। 32 में आपको मिलेगा डिप्रिसिएशन का ठीक। डिप्रिसिएशन अलाउंस का मतलब क्या होता है, आपकी कंपनी, कोई मशीन है, कोई प्लांट है, वो चलती चलती जाएगी तो उसमें कुछ हादसा आता है, मशीन खराब होते हैं, जब वो खराब होती है तो उसकी मान लीजिए आज आपने फैक्ट्री में मशीन लगवाई वो 10 लाख की थी, क्या 5 साल बाद भी वो 10 लाख की होगी, लेकिन उसमें जो वो उसका जो चलने का जो हाश होता है, जो उसमें डिप्रिसिएट होती है पहले उसकी, तो उसको भी उसमें दिखाया जाएगा, आपको उस पर टैक्स काट के ही टैक्स को दिखा जाएगा। ठीक है, आगे वाली चीज़ जो और एक्सेप्शन है उसमें क्या है, एक्सेप्शन है, उस पर अगले वाली क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू।